फिलहाल देखते हैं कब तक इनकी देवरानी मिलती है और कैसी मिलती है इनसे। हम तो हम यही कहेंगे, अगर देवरानी हमारी अच्छी हुई तो हम उनको अपनी एक दोस्त एक बहन की तरह रखेंगे। हम छोटकी तुम्हें छोटकी अच्छी बहुत आगे रहनी सर। हाँ, अरे वो तो बहुत खड़ूस होली लेकिन देखा। अनुज बाबू की शादी ठीक आ चुकी है और आप सभी को अरे कोई सीट से कम थोड़ी बारन ये पूरा चेस्ट बा ऊपर से है आगे बा। चैनल का नाम है मोहन देवरिया ब्लॉग। क्या खूब कहा है किसी ने कि लोग पता नहीं क्यों अपनी गलती पे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलती पे जज बन जाते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर के रजनी कौशल में। आज है 6 तारीख, 6 तारीख के ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। शाम का समय है, अभी मैं हूँ दीदी के घर, जो कि बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, सफ़र की वजह से बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा था और दांत में पूरा ये मुंह में छाला टाइप पड़ गया था, तो उसको दवाई कराने आज हम लोग आए थे पादी बाजार फिर से। तो दिन भर यहीं बीत गया, पूरा पूरा दिन यहीं बीत गया हॉस्पिटल पे, क्योंकि नंबर लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद नंबर आता है तो पूरा दिन बर्बाद। फिर वहाँ से बगल में ही दीदी का घर है, तो हम लोग सोचे दीदी के घर आते हैं। आते ही अभी हॉस्पिटल पे थे ही, तभी पता चला कि इवान बहनी का बर्थडे है, स्टेटस लगा था, तो सोचा चले केक लेके चलते हैं। तो केक लेके हम लोग पहुँच गए दीदी के घर। फिलहाल कभी से हैं लेकिन अभी को वीडियो बनाना शुरू। आयुष ट्यूशन पढ़ के नहीं आ रहा है और सभी चहल पहल मचा हुआ है। देखिए बाबू को इतना दवाई पिलाया गया, इतना दवाई पिलाया गया कि सदमे में है। इतना दोस्तों देखिए इतना दवा पिलाया गया। दवाई तन खोल के दिखाओ कितना दवाई मिला है, और इतना दवाई इसको पीने के लिए मिला है, क्या बताएं, इसका तबीयत बिल्कुल खराब है दोस्तों। देखिए वहाँ से परेशान परेशान ही परेशान गए, फिर परेशान ही परेशानी नहीं, उधर से खुशी खुशी आए, तबीयत उनका मम्मी ठीक है, लेकिन वहाँ से खबर सुनाया है कि एक बहुत ज़्यादा खराब है। फिर उसका से रास्ते में इनका इनका इतना ज़्यादा तबीयत खराब है कि रात में ही पहुँचे, फिर सुबह 5 बजे उठकर ही तैयार होकर फिर इनको यहाँ पर लेकर आए हैं दीदी के घर। यही पादरी बाजार एक हॉस्पिटल है, वहाँ से दवा लिया, शाम हो गया, फिर बहनी का बच्चे हैं तो उठना पड़ा है, तब इनको जा रहे हैं कितने दिन से अच्छे से मिसाए नहीं आते। दोस्तों अभी रात में बर्थडे उड्डे मनाने के बाद लगभग 11 बजे मैं घर पे आया, खाना वाना खा के तुरंत रात में निकल आया, क्योंकि एक सब्सक्राइबर आए थे मेरे घर, शाम को ही आए थे और काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, उनको जाना था घर लेकिन मजबूरन रुकना पड़ा और रुक गए। वैसे तो मैं किसी को, आप सब जानते हैं कोई भी सब्सक्राइबर है, मैं किसी को घर पे रोकता नहीं, 1-2 घंटे से ज़्यादा समय भी नहीं दे पाता। घर पे कितना भी मजबूरी है भाई, हम कहते हैं अगर रुकना है तो आप गोरखपुर में कहीं भी रूम ले लीजिए, 100 रुपये से लगाए 500-1000 महंगे से महंगे रूम मिलेंगे, सस्ते सस्ते रूम मिलेंगे, कहीं भी आप रह लीजिए। लेकिन ये थे साहिल भाई की रिलेशन में, तो बुलाए उनको और अभी आप सभी को मिलाते हैं कि क्या बनाते हैं, कब से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, आप सभी को सारी बातें बताएंगे। फिलहाल सुबह का समय है और अभी सभी चाय वो पी के मस्त हैं, ये भी चाय वो पी के मस्त हैं। हम ना चाय पी रहे हैं तो तुम्हारी गलती बा ना, हमारे गलती बा, तू ना चाय पी लू तो पेट को गड़त ना आए बा, उत्ती खाए पड़ी, अरे का पेट सफा साफ ना भले डब्बा नहीं फूल बा ना, मैं डब्बा नहीं फूल बा पेटवा। सफ़र करते करते इतना हालत ख़राब कि पूछिए मत, आज भी कहीं जाना है लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, चलो जल्दी काम पे जाना है, जे पी ये कहता ना तन शूटिंग करेंगे 2-4 गान। देखिए दोस्तों आज 7 तारीख, 7 तारीख को आराम करेंगे, फिर 8 तारीख को आराम करेंगे, फिर 9 तारीख को भागे भागे जाना किसी के यहाँ शादी में, 9 तारीख को हल्दी है, फिर 10 तारीख को फिर शादी है वहाँ, फिर 11 तारीख हम लोग जाएंगे लड़की देखने, फिर 11 तारीख को जाएंगे लड़की देखने अनुज के लिए, अनुज के लिए। सच में दोस्तों सच में झूठ कहीं नहीं, सच में देखने जाएंगे। फिलहाल देखते हैं कब तक इनकी देवरानी मिलती है और कैसी मिलती है इनसे। हम यही कहेंगे अगर देवरानी हमारी अच्छी हुई तो हम उनको अपनी एक दोस्त एक बहन की तरह रखेंगे, अगर भाई नहीं अच्छी रही तो एकदम बिरा देंगे। अच्छा ये बता साइड में रही, कहीं तुझसे दुगुना नहीं करा था? कैसे दुगुना? अरे नहीं रहन
छोटकी छोटकी बहुत आगे रहनी सर। हां अरे उगत कज बहुत खड़ूस होली देखा ते कज एक आग को छोटकी अच्छा भी मिल जाली। बहुत बड़ी बड़े लोग को बहुत सम्मान करती है दोस्तों। ऐसे हम लोग खोज रहे हैं लेकिन देखते खोजने पे तो ऐसे ही मिलेंगी, बाद में उनको चाहे तो सुधार सकते हैं, नहीं तो बिगड़ गए तो बिगड़ गए। चलिए इनकी देवरानी आप सब देखिएगा, बहुत ही जल्द वीडियो में बताया जाएगा। 11 तारीख को देखने जाएंगे, 11 तारीख को दोस्तों कोई कल्पना नहीं है क्योंकि हवाई जिंदगी इतनी उथल पुथल हो गई है कि कब क्या हो जा रहा है हम लोग को समझ नहीं आ रहा। यहाँ बन रहा है स्वादिष्ट खाना, जैसे कि कार खरीदा है तो उसके खुशी में करवा करेला। जबकि दोस्तों यहाँ का रसम है कि कोई नई चीज अगर घर में आती है तो कड़वा करेला बनता है। हाँ। जो कि बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बनाया। पीछे मैं देख पा रहा हूँ दो दो तावा, और अगर आप लोगों के यहाँ दो तावा करेला ज्यादा कड़वा लगे तो उसमें कृपया शक्कर डाल दे, मीठी हो जाएगी चाशनी के साथ। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, और खाना दाना भी बन रहा है तभी सब्सक्राइबर से आप सभी को मिलाते हैं। ये देखिए अश्विन एकदम पागल कर दिया, इसका तबीयत इतना खराब है कि पूछो ही मत। देखे जी ओए कितना तबीयत खराब है, इतना सारा दवाई सारा इसको खाना पड़ा, सब दवाई खा रहा है लेकिन रोता बहुत है, नाटक बहुत करता है। आ आओ मुंह में छाला है, आ आ आ, देखिए एकदम टूट गया है, एकदम लूज हो गया है, तबीयत इतना खराब है। सफर में यही एक घाटा है आने जाने में कहीं भी, कि बाबू उसमें परेशान हो जा रहा है। हम लोग तो मान लीजिए चल जाता है लेकिन बाबू उसमें एकदम उल्टी उल्टी करके एकदम तबीयत बहुत ज्यादा खराब। तो ये हैं सब्सक्राइबर, चलिए इनसे पूछते हैं इनका क्या नाम है और क्या चैनल का नाम है, कहाँ से है बताइए। हेलो दोस्तों नमस्ते, और हमारा नाम है मोहन और हम देवरिया जिला से आए हैं और राम लक्ष्मण से, और हमारे चैनल का नाम है मोहन देवरिया ब्लॉग। और भैया जी से मिलके बहुत हमको खुशी हुआ और बहुत अच्छा महसूस हुआ, और हम मतलब कल से ही आए हैं, कल एक कहीं गए हुए थे तो रात को आए तो मतलब इन्हीं के घर पे थे हम। तब बताइए यूट्यूब पे कब से काम कर रहे हैं? और यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं लमसम 8-9 महीने से काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं अभी? हमारा सब्सक्राइबर हो गए हैं 9,500। 9,500 इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं जी। और क्या चीज इस पे डालते हैं? और डालते हैं हम मतलब साड़ी पहन के वीडियो, कभी लहंगा, मतलब कभी केला का पत्ता, चाहे कुछ भी मतलब पेड़ ओड़ का कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, तरंगी टाइप का चीज। मान लीजिए कभी साड़ी पहन लेते हैं, कभी लहंगा पहन लेते हैं, तो कभी केले का पत्ता लपेट लेते हैं, तो कभी जींस शर्ट में ही बना देते हैं जी। और फैमिली सपोर्ट करती है कि नहीं? मम्मी पापा और हमारी मतलब वाइफ भी है और एक लड़की भी है, सब कोई सपोर्ट करते हैं, भरपूर घर वाले सब कोई सपोर्ट करते हैं। और ये राजमिस्त्री का काम भी करते हैं जी, साथ में काम भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं। तो आप सभी एक बार चैनल जरूर देखिएगा, मोहन देवरिया ब्लॉग नाम से इनका चैनल है, सर्च मार के देखिएगा, अच्छा लगेगा, सब कुछ बढ़िया लगेगा। तो आप सब जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं, बात है बहुत खुश लग रही हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारी देवरानी रख दी है तो वीडियो पूरा लास्ट कर देती है, अभी आप सभी को दिखा रहे हैं। और जो कि हमारे अनुज बाबू हैं उनकी बीवी अनुज बाबू की शादी ठीक आ चुकी है, और आप सभी को दोस्तों अभी टिकुली लगा रहे हैं, अरे यार टिकुली लहरेदार टिकुली सटले बानी पुलिस दारोगा हवलदार कपड़ा पे रखले बानी अनुज के बीवी को हम टिकुली लगा रहे हैं। ये छोटकी भौजी है, गाना उन्हें गावे लो, गाना उन्हें गावे लो, गाओ। दर्द दिल के बढ़ा के गई भोजपुरी गावा, भोजपुरी है भोजपुरी है। अरे दूसरे ये समय गाना गावा तो बना लेनी, जवान कह दे तो बना के धो दे। हां एकदम काय से
काहे बनाए नहीं आला सब बना दे ना तब ठीक है बा तब ठीक है तो लोग रखा था सही रखा था सही रखा था सही अब पूछ लाई नहीं से रख रख पहिंग नहीं रखा था सही रखा था सही रख पहिए कि नहीं नहीं पूछा पूछा रख पाइबा हो नहीं माता जी तन दिखाई फोन के तब में फाइनल मम्मी करेगी क्या कहना चाहते हैं कुछ नहीं कुछ को बात ये इनके खुशी का ठिकाना ही नहीं है रहा नहीं जाता पड़ गई होगी डर के मारे अभी दोस्तों लोग कोविड शील्ड लगवाने के बाद दिल की धड़कने बढ़े मेरे अनुज भाई का देख कर ही अपनी बीवी को धड़कन बढ़ गए अरे कोविड शील्ड से कम थोड़ी बाड़न बाड़ी भाभी सही कह रही है थोड़ा सा ये दिक्कत बाकी पूरा चेस्टवा ऊपर से है आगे बा चेस्टवा ऊपर से नीचे आ गई बा वन पैक वाला ना अब ठीक है तो क्या नाम है आपके चैनल का हमारा चैनल का नाम है मोहन देवरिया ब्लॉग इनके चैनल का नाम है मोहन देवरिया ब्लॉग और आज हम लोग खूब ढेर सारा इनके साथ वीडियो बनाएंगे और ये कभी कभी ऐसे ही वीडियो बनाते हैं और बाकी आप सब देखिए आप सभी को अगर अच्छा लगता है इनका वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा शॉर्ट बनाते हैं हम लोग कुछ चैनल का नाम है मोहन देवरिया ब्लॉग और हम देवरिया जिला से हैं और हमारे चौराहे का नाम है राम लक्षण आप सब जो भी जानते होंगे जरूर कमेंट कीजिएगा जो इनको देखे होंगे बहुत खुशी हुआ बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हम बहुत खुश हैं मिलकर चलिए ठीक है दोस्तों अभी तक अगर वीडियो में बने थे तो वीडियो कैसा लगा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जल्दी में इसलिए हैं क्योंकि इनके भाई का बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो चुका है तुरंत कपड़ा पहन के निकल लें देखते हैं आज ब्लॉग अपलोड कर पाते हैं कि नहीं भाई ये भी गारंटी नहीं देंगे बाकी आप सब वीडियो में बने थे तो कुछ राय देना है कुछ मशवरा देना है तो आप सब जरूर कमेंट करिएगा बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में यहाँ से फिर ब्लॉग नया शुरू करते हैं अगले वीडियो में आप सबको दिखाएंगे भाई साहब की स्थिति क्या सही है कि खराब है